है। अब उसके बाद में आप लोग करतल उठाइए जरा, सारा आनंद ले लीजिए। हाँ, हाथ ऊपर करिए जरा, जिनके हाथ नहीं है उनको दूसरी बात कह दी जाती है। फिर एक बार भगवान शंकर आए थे ना दुनिया में, तो देखे बड़ी सुंदर स्त्री है लेकिन ऐसी है, बड़ा सुंदर पुरुष है लेकिन ऐसा है। सती ने कहा ये सबको है, बोले जिनने हाथों से दान नहीं किया उनके ऐसे कर दिए, जिनने तालियां नहीं बजाए उनको ऐसे कर दिए, जिनने भजन नहीं किया ये हाथ दिए जिस काम के लिए करें। अरे तूने जब रचोर भगवान परमार्थ में ना लगे, जल जाए वो जिहवा हरि का नाम ना जपे। ये जिहवा का क्या काम है? शांति से आ तिवारी बाबा, चुगलखोरी दूसरे के बुराई, वो तो ऐसी। फिर जिहवा का क्या काम है? तेरी जी हवा दिया है भजराम सिलों न बाती
दिए थी रथ करने को के लिए किसी को यूं बुरा बताने के लिए पड़ोसी का माल चुराने के लिए फिर किस लिए परमार्थ करिए गौ सेवा करिए संत सेवा करिए माता पिता की सेवा करिए और तेरे हाथ दिए है करो दान खिलो नारायण। उसके बाद महाराजा उत्तानपाद के कुल में ध्रुव की उत्पत्ति हुई। मैंने अभी एक लाइन कही थी थोड़ी देर पहले कि वैराग्य की जननी नारी को कहा गया है। तुलसी जी जब अपने पत्नी को मिलने चले ना, अंधेरी रात नदी भरी हुई, मिलना है तो मिलना है, पत्नी के प्रेम में व्याकुल जा रहे हैं, कोई नाय नहीं है, कोई साधन नहीं है, एक मुर्दा जा रहा था, मरा हुआ लाश, उस पे बैठ कर गए, सर्प की टंगा हुआ था। तुलसीदास पते आहा, सारी व्यवस्था फिट है, देवी जी ने पहले से ही रस्सी टांग रखी है। ससुराल में मर्यादाएं होती हैं, पति पत्नी भी हो तो कई मर्यादाओं के साथ जीना पड़ता है। चढ़ गए ऊपर, ऊपर जा करके तुलसी जी ने कहा कि देवी दरवाजा खोल, बोले तुम मरने आ गए इतनी रात को, तुम्हें भय नहीं है मृत्यु का? तो बोले वाह देवी वाह, पहले अदाएं दिखाते हो, बुलाते हो, अब आप बाद में हम पे कहते हो, कन्हैया जैसी बात। गोपियां गई कन्हैया जी के पास, बोले बड़ी प्यारी बंसी बुझा के बुला लिया। बोले मैं क्यों बुलाऊं, मैंने थोड़ी बुलाया, तब अपने आप ही आ गए, तो मैं क्या करूं। तुलसी जी से उनकी पत्नी कहती है कि आपको यहां नहीं आना चाहिए। बोले आपने बुलाया, आपने रस्सी लटकाया, बोलते हो नहीं आना चाहिए। बोले कौन सी रस्सी, चलो देखें तो।
तो देखे तो उसमें क्या था, नाग सर्प था, जानवर। रत्मा ने कहा कि जितना प्रेम आपको मुझसे था कि आपको मृत्यु का भय नहीं था, काश अगर यही प्रेम परमात्मा में हो जाए तो आज का तुलसी कल तुलसी दास हो जाए। प्रेम ऐसे ही ध्रुव छोटे हैं, 5 वर्ष की अवस्था है और ध्रुव बैठ करके एक ही गीत गा रहे हैं, श्री हरि 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 श्री हरि। ध्रुव श्री हरि श्री हरि आज भी हम लोग कर देते हैं। हमारा बच्चा मंदिर में जाके ओंकार उठाने लगे, माता पिता का पैर पड़ने लगे तो हमारी माताएं भी कह देती हैं, बड़ा आ गया पुजारी, भगवान तेरी जेब में है क्या? ऐसे ध्रुव की मासी ने व्यंग भाषा कहा तो हठयोग बहुत होता। ध्रुव घर से निकल पड़े तपस्या करने के लिए और तप में बहुत ताकत है, वाणी भी एक तप है। किसान खेती करता है वो भी एक कर्म का तप है। एक संसारी भगवा पहनकर घूमकर भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन वास्तव में वो जो तप करता है वो किसी सन्यासी से बहुत बड़ा तप है। कर्मणे वाधिकारस्तो मा फलेषु कदाचन। एक बार इस विषय पर देव ऋषि नारद ने श्री हरि से सवाल किया, कहने लगे दयालु आपका परम भक्त कौन है? कहे गृहस्था। बोले कैसे? वो लोग तो आपको स्मरण नहीं कर पाते दयालु। कहे ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देव ऋषि ये थाली दे रहा हूं, इसमें पानी भरा हुआ है, इसे लेकर मृत्यु लोक जाना और वहां से वापस चले आना, एक बिंदु जल नीचे लगे। आचार्य लिया उन्होंने और एक ही बार कहा कि वारी बरोबर वारी है, वारी बरोबर वारी है, तापर बहुत भया, अब तो शरण हुआ आपके, लाखो लाज हमारी। यहां शब्द अलंकार है, वारी बरोबर वारी, पहले वारी का अर्थ जल है और दूसरे वारी का अर्थ है थाली के किनारे वाली ऊंचाई। वारी बराबर वारी है, यानी थाली है, थाली की जितनी ऊंचाई है उतना जल है। वारी बरोबर वारी है शब्द अलंकार। तापर बहत बयारी, उसके ऊपर से पवन का तीव्र वेग है। हे परमात्मा, इसको नीचे मृत्यु लोक से ऊपर तक लाना है। इस समय मैं आपकी शरण में हूं, मेरी लज्जा कर दो। देव ऋषि नादर लेकर नीचे तक गए, मृत्यु लोक से वापस आए और कहने लगे दयालु एक बिंदु जल नहीं गिरा, अब तो मैं आपका परम भक्त हो गया। बोले नहीं,
कहने लगे नहीं। बोले क्यों? बोले आपको मैंने एक काम दिया। क्या काम दिया? एक, कि ये जल मृत्यु लोक से वापस लाना। और इतनी घड़ियों में आपने मुझे याद कितनी बार किया? एक ही बार याद किया कि वारी बरोबर वारी है तापर बहत बहत। अरे अब तो शरण में आपके राखो लाज। आपको एक काम दिया मैंने और इतनी देर में एक ही बार राम का नाम लिया तुमने। अरे इन संसारियों के तो हजार काम है। सुबह घर में उठते बोलते हैं ताऊ राम राम। ढोर का न्यार पानी करने गए तो बोले राम राम। किसान के काम में कोई करे तो बोले राम। इतने काम करने के बाद भी वो मुझे हर सांस में राम राम याद रखता है। और तुझे एक काम दिया और तूने एक बार नाम लिया तो तेरे से बड़े भक्त तो ये संसारी ही है, क्योंकि तो इन्हीं में परमात्मा का जन्म होता रहता है। इन संसारियों के लिए घर छोड़कर तो नहीं आ सकते। इनके बारे में मेरी एक कल्पना है कि माना ये जीवन तेरी। आचार्य जी घर में हो एकांत वास आराधना ब्रह्म तत्व का हो। कि माना ये जीवन तेरी है छाओ में भगवान पर कर्मों की जंजीरें है पांव में भगवान। पर कर्मों की
और मुझे ज्ञान है, संसारी भी जानता है। जल जाए मेरी काया, जाए ना माया, संग जाए कर रहे थे। तो यहाँ एक भागवत में दशा आई, जब भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए तो भगवान ऐसे आरती की तैयारी कर ले, आज समय अच्छे को आज मेरे पास तो सोचे कि नहीं, और ऐसे भी मेरी कथा में समय का याद रहता नहीं, इसलिए मेरे गुरुजी लाड में कहते बावड़ा हो गया, बावड़ा ही कहते थे पहले, अब तो ब्रह्मांड के नहीं होंगे। ध्रुव जी को भगवान ने जब दर्शन दिया तो ध्रुव हंसे, ध्रुव को देख के भगवान हंसे, भगवान को देख के परीक्षित हंसे, परीक्षित को देख के सारे संत हंस गए, और किसी को पता नहीं हंस किस लिए रहे, किसी को समझ में नहीं आए तुम हंस क्यों रहे। तो हुआ क्या, भगवान ने पूछा ध्रुव तुम क्यों हंस रहे, बोले मैं तो हंसा नहीं सरकार, बस मैंने तो ही देखा आप हंस रहे थे तो बिना कहे जैसे आप करे वैसे मैं करने लगा, भाई इधर की बात ऐसी है जैसे तू करता था वैसे मैं भी करने लगा। बोले नहीं महाराज, वास्तव में मुझे अपने आप पे हंसी आ रही थी। बोले क्यों, बोले प्रभु आप मेरे सामने खड़े थे और मुझसे पूछ रहे थे माँ और क्या चाहिए, माँ और क्या चाहिए, माँ और क्या चाहिए, तो मुझे खुद में हंसी आ गई कि अभी भी परमात्मा को मुझ में कोई कमी नजर आ गई, जो सब कुछ है समक्ष और फिर भी भाग रहा है, ए परमात्मा ये अभी कितनी परीक्षा लेगा, सब कुछ तो अर्पण कर दिया, दुनिया के सबसे जिसकी इच्छा थी वो मुझे मिल गया, अब आप कह रहे हैं कि मुझे मांग क्या चाहिए, मांग क्या चाहिए, तो हंसी आ गई। भगवान ने कहा जब मेरा भक्त हंसे तो मुझे भी हंसी आएगी, क्योंकि भगवान हमेशा भक्त के आनंद में ही संतुष्ट रहते हैं। परीक्षित से कहा गया कि भाई आप क्यों हंस रहे, बोले महाराज मुझे तो सर्पदंश अभी कुछ दिन बाद करेगा, लेकिन आनंद तो आज ही आ गया और ब्रह्म आनंद मिल गया। बोले कैसे, पहली बार गुरु बनाया, एक ही गुरु बनाया जिसने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का दर्शन करा दिया, ऐसा गुरु मिल जाए तो जीवन में भव पार हो जाए। पहली बार गुरु बनाया जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का, ऐसा एक मानस में प्रमाण आया कि भगवान जब भरत से मिले ना तो तीन चीज छोड़ दिया था, याद करिएगा, काग्य हुताप चाप यरुवे, भरत और राम जब मिले ना तो तीन चीज छोड़ी थी, ताप चाप और बेस। ताप का पूरक है संग ताप यानी क्रोध, ताप का शाब्दिक अर्थ है ज्वर, यानी बाबा ने यह कहा है कि भगवान को पहले इतना क्रोध था, क्रोध से इतना उनका शरीर गर्म हो गया था जैसे किसी को ज्वर हो जाए, ताप। लेकिन भरत के प्रेम को देखते तिवारी बाबा ताप छोड़ दिया,
એની ક્રોધ ચાપ ધનુષ બાણ છોડ દિયા. એક ક્ષત્રિય એક રાજપૂત અપના હથિયાર રખ દે તો શરણાગતિ હોતી. સંતો ને કહા વહી રામ ને ચાપ રખ દિયા ધનુષ બાણ રખ દિયા યાની શરણાગત હો ગઈ. ચલો ઠીક હૈ, પ્રેમ કે આગે, પ્રેમ શસ્ત્ર કે આગે ઇન શસ્ત્રો કા મહત્વ નહીં હૈ, લેકિન વેશ ક્યું છોડ દિયા, વસ્ત્ર ક્યું નીચે ગિરા દિયા. તો હમારે બાબા ને હસતે હુએ કહે દિયા કે યે વસ્ત્ર જો હૈ ના યે માયા કા પ્રતીક થા, ઓર જબ જીવાત્મા પરમાત્મા કા મિલન હો તો વહાં માયા કી કોઈ જગહ નહીં હોતી, ઇસલિયે ભગવાન ને યે વસ્ત્ર હી. અબ યહાં પર આયે શામ કો ઓર સુંદર સુંદર કથાએં સુનાયેંગે. આજ આનંદ ઉત્સવ હોગા. ઇસકે બાદ ભગવાન ને કિતને અવતાર લિયે હૈ. રાજા નાભિક કી પત્ની સુદેવી સે ઋષભ દેવ કે સ્વરૂપ મે અવતાર લિયા, મનવંતરી સ્વરૂપ મે વો સારે વૃતાંત કો બતાયેંગે. લેકિન એક નિવેદન કરું મેં આજ આપકો, ધ્યાન દેંગે, શાંતિ સે મુજે સુનો. ભાગવત કથા એક કુટુર કુટુર ઘર મે કર લે માય, ઉધર મે આજ ઇધર નહીં, ઉધર હૈ ઉધર. માય 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 લલ્લા કો ક્ષમા કરો, થોડી દેર શાંત રહો. પૂરી ભાગવત કથા મત સુનો, એક શ્લોક કો જીવન મે ઉતાર લો તો કથા સુનના સાર્થક હૈ. और अगर आचरण में नहीं तो सुखताल में जाके 36 साल भागवत सुनना व्यर्थ है. एक बार ब्रज की बालाओं ने कहा, मोसो भली श्याम की बंसी, मुझसे अच्छी मेरे भगवान की बंसी है जो अधर पे विराजती है. अब देखिए यहां बांस की गुण नहीं है, बांस जाति का गुण नहीं है. बांस जाति की प्रशंसा हुई क्या, बंसरी के गुण की प्रशंसा. बंसरी का पहला गुण, ये बिना बुलाए बोलती नहीं. मेरी बहनों, बंसरी बिना बुलाए नहीं बोलती. ऐसे बिना प्रयोजन का चर्चा विवाद का कारण बनता है. बंसरी गोखली है, उसमें कोई कपट की गांठ और उसके सीने में इतने जख्म है, फिर भी मीठा बोलती है. यही तीन गुण आप में आ जाए तो आपने भागवत कथा सुन ली, और नहीं आए तो फिर तो भैया वही रहेगी कि अंगने में कुइयां सैयां डूबते. जरा सा झगड़ा हो गया, ससुर जी ने कहा बेटा अगली बार साड़ी दे दूंगा, पति ने कहा अंगूठी बाद में ले दूंगा, तो बस ये सब इमोशनल अत्याचार की दुकान है. भागवत कथा का कोई मतलब नहीं है. फिर अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट प्रोनाउंस लाइफ. चले मधुर संकीर्तन करते हुए आरती करेंगे. और मैं आपको बता दूं, शाम को भगवान का जन्म होगा. सुंदर सुंदर मनोहर झांकियां निकालें, यथाशक्ति भगवान के लिए दान पुण्य करें. जो भी आप करते होंगे, आपके यहाँ की जो परंपरा है, पंजीरी बनाते, कोई लल्ला को नजरिया, कोई कान में सोने का, जो भी चीजें व्यवस्था करते लोग वो दान करते हैं. क्योंकि देखो जी ये व्यवहार है, अगर आज आप भगवान के लिए करोगे तो भगवान आपके लिए करेगा, और नहीं करोगे तो मत करो. बाबा तो आज यहाँ है, कल दूसरे गाँव में जाके कथा करेंगे, मुझे तो लेके जाना नहीं. पर बदला है ये, अगर तुम उसके लिए करोगे तो वो तुम्हारे लिए करेगा. बाजार में नमक खरीदो तो क्या बोलते, क्या भाव है, और भगवान बिना भाव के नहीं मिल जाएगा. दान करो, सोना चांदी बहुत सी चीज लोग दान करते हैं, यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा जिसकी जैसी व्यवस्था होती है. दो ही तो महत्व होता है, एक भगवान का जन्म, दूसरा रुक्मिणी का स्वयं. रुक्मिणी के स्वयंवर में भी पंच वस्त्र से, पंच कपड़ों से लेकर के सोना चांदी मेहंदी सिंगार तक लोग चढ़ाते हैं.
बाकी भावे ही विदते, जिनको ठाकुर ने ऐसा नहीं बनाए वो तुलसी का पत्ता भी चढ़ा दे तो वही फल मिलता है। भाव निर्मल होना चाहिए।